राजनांदगांव जिले में शुक्रवार को नगर निगम परिसर में प्रधानमंत्री आवास योजना पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। आयोजित कार्यशाला में जानकारी दी गई कि पहले चरण में मकान बनाने की शासकीय राशि में वृद्धि की गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ग फुट में भी इजाफा किया गया है। आपको बता दें कि नगर निगम राजनांदगांव में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए हजारों आवेदन पेंडिंग है और इन्हीं आवेदन पर गौर करते हुए निगम अधिकारी कर्मचारियों को वार्ड में भेजकर निराकरण करने की बात नेताओं ने की है। राजनांदगांव से नितिन खोब रागड़ी की रिपोर्ट। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से भारत देश में रहने वाले गरीबों की चिंता कर रहे हैं, उनके रहने के लिए छांव की चिंता कर रहे हैं, बेघर लोगों को घर देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी दिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना पार्ट टू का कल पूरे देश में लॉन्चिंग हुआ है 14 नवंबर के शुभ अवसर पर, और आज जो है छत्तीसगढ़ के माननीय नगरी प्रशासन मंत्री और उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के लिए योजना लॉन्च की जा रही है, जिसमें आज नगर निगम में कार्यक्रम होना है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूर्व में जब प्रधानमंत्री आवास बनता था उस समय कट आउट डेट जो आवेदन का रहता था कि स्थायी निवासी 31 अगस्त 2015 का निवासी होना चाहिए उसको मिलेगा, उसको शिथिल करते हुए इस बार 31 अगस्त 2024 को जो लोग जहां पर निवास कर रहे हैं और पूर्व में शासन की किसी योजना से प्रधान आवास योजना का लाभ नहीं ले हो, ऐसे लोग अपने खुद की ज़मीन पर आवेदन करते हैं तो उनको 2.5 लाख रुपये राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिला के 2.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। यदि उनके पास ज़मीन नहीं है और जो AHP योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास का निर्माण किया गया है तो उनको भी जो है सब्सिडी दे करके आवास उपलब्ध कराया जाएगा। कोई बड़ा मकान बनाना चाहता है और बैंक फाइनेंस करके जो हाउसिंग लोन फाइनेंस के माध्यम से बनाना चाहते हैं तो उनको ब्याज दर में छूट दे करके कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हर व्यक्ति का अपना खुद का आशियाना होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए। आज पार्ट टू का शुभारंभ राजनांदगांव में भी होने जा रहा है